حي على الفلاح ईरान जो है ये जो है टॉपिक रहेगा और इसके बारे में हम लोग तफसील से मालूम हासिल करेंगे कि सहाबा के राम जान की बाजी खेल करके किस तरह से दीन को जो है आगे बढ़ाए और फिर पूरी दुनिया में जो है जो भी कुफ्र शिर्क का अंधेरा था उसको जो है तौहीद की रोशनी जो है कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश और उसमें हज़ारों की जानें गई शहादत के रुतबे पाए लेकिन जो कि दीनी जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने अदा की। हम लोग इससे पहले लेक्चर में ये पूरा जज़ीर-ए-नुमा अरब जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में फतह हो गया था। खिलाफत राशिदा जब कायम हुई तो उनके सामने दो बड़े चैलेंज थे, राइट साइड में पर्शियन अम्पायर और लेफ्ट साइड में रोमन अम्पायर। अब इसमें भी जो है एक छोटा सा टारगेट जो है सामने आ गया, सामने क्या आ गया था कि जज़ीर-ए-नुमा अरब में ही जो है दो गैर मुल्की ताकतें जो है दो एरिया को कैप्चर की, यानी इराक का जो पोर्शन था इसको पर्शियन अम्पायर ने कैप्चर कर लिया था और शाम का जो एरिया था इसको रोमन अम्पायर ने कैप्चर कर लिया था। तो पहली और अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खलीफा राशिदीन की थी वो ये कि जज़ीर-ए-नुमा अरब जो जिस पर गैर मुल्की यानी बाहर के जो अम्पायर ने कब्जा किए हुए सदियों से उसको पहले छुड़ाए। अब फिर यहाँ पर पूरे जज़ीर-ए-नुमा अरब में एक शानदार इस्लामी हुकूमत कायम की जाए और उसके अट्रैक्शन के ज़रिए से लोगों को दावत दी जाए कि भाई इस्लामी हुकूमत ये चीज़ है, खिलाफत ये है और आओ देखो, और वहाँ की आवाम भी जो है अपने अपने एरिया में कॉपी करने की कोशिश करें। लिहाजा इसका आगाज़ तो किए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, लेकिन इसको कम्प्लीट किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जंग यरमूक के ज़रिए पूरा शाम जो है फतह हो गया और जंग कादसिया के ज़रिए से तकरीबन पूरा इराक फतह हो। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ख्वाहिश ये थी कि अब हमारी फ़ौज आगे ना बढ़े, इधर अनातोलिया की तरफ भी बढ़ाना नहीं चाहते थे, इधर जो वेस्ट में जो है अफ्रीका को भी टच नहीं करना चाहते थे और इधर ईरान की तरफ भी बढ़ना नहीं चाहते। ये जब पूरा शाम फतह हो गया है, शाम उस वक्त पाँच मुल्क का नाम था, यानी आज का जो लेबनान है, फ़लस्तीन है, अर्दन है, सीरिया है और इसराइल है, इसको शाम बोला जाता है। तो शाम फतह होने के बाद अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने बराबर इसरार करते रहते थे कि आप इजाज़त दीजिए तो ये तो ये भी जो मिस्र भी जो है वो रोमन अम्पायर के अंडर में था, लिहाजा मैं थोड़े से भी फौज से मैं फतह कर लूँ, लेकिन वो कहते थे नहीं आगे नहीं बढ़ना। इधर जो अहनब बिन कैस थे एक बहुत बड़े जाबाज सफर सालार, वो कह रहे थे कि आप ऑर्डर दीजिए मैं पूरा जो है ईरान फतह कर लूँगा, वो कहते थे नहीं आगे नहीं बढ़ने। इधर जो अनातोलिया में पढ़ना चाहते थे वो कहते थे नहीं। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इतनी बड़ी ज़मीन हम लोगों को हासिल हो गई है, खासतौर से जिस पर हमारा कॉपी राइट था अरब का, तो वहाँ पर आप जो है शानदार हुकूमत कायम करेंगे, फिर उसके बरकात जब लोगों को दिखाएंगे तो फिर हम कहने के लायक होंगे कि कम एंड सी दिस इज इस्लाम। लिहाजा जो है सिर्फ फतह करना ही असल मकसद नहीं है बल्कि फतह करने का एक मकसद होना चाहिए, तहजीब और तबद्दुल की बुनियाद रखी जाए, एक सिविलाइजेशन कायम की जाए, लोगों को जीने का उसूल दिया जाए इंफरादी लिहाज से भी और इज्तमाही लिहाज से, और ऐसी ज़िंदगी दी जाए जहाँ वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखरत में भी कामयाब हो जाए। तो लिहाजा ये कि खाली फतूहत करते जाएंगे तो पूरी एनर्जी जो है फतूहत में लग जाएंगे और जो बच जाएगा उसके कंट्रोल में लग जाएंगे। लिहाजा हमेशा सिपह सालार को मना करते थे, इधर भी ऑर्डर नहीं दे रहे थे, इधर भी नहीं दे रहे थे, इधर भी नहीं दे रहे थे। 3-4 साल तक वो रुके, इस
इसके मुकाबले में आप सिकंदर आजम वगैरह को देखेंगे तो खाली फतवाए नहीं करते चले, दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई निज़ाम तमद्दुन नहीं दिए, कोई उसके बाद जो है कोई जो है मतलब माशरे को कोई जो है बुनियाद नहीं रखी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि यहाँ पर तो रोमन अब्बास जो है मायूस होकर के चली, मिस्र में भी जो है ये भी लोग चिप था, इधर ये था कि इराक जो था वो ईरान जो पर्शियन अंपायर के अंडर में, इराक को जो छीन लिए उनसे, अब मदियन जो फतह हो गया है तकरीबन जो है 16 हिजरी में, तो ईरानी लोगों को जो है सब्र ही नहीं होना, अब उसको वापस लेने के लिए बराबर कोशिश करते थे, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैपिटल जो बनाया था वो मदियन को बनाया। अब इस पर जो कासिया के बाद जो है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में मदियन भी फतह हो गया था। अब यहाँ पर ये और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बराबर कहते थे कि काश के मैं हमारे और ईरानियों के दरमियान एक आग का पहाड़ हाइल हो जाता कि ना हम उधर जा पाते और ना वो हमारे तरफ पा पाते, और ये बॉर्डर जो है अब फिर एक ज़ैग्रस माउंटेन जो है वो ईरान में है उसको जो है वो समझे कि बॉर्डर के तौर पर जो है ट्रीट करते थे कि हम लोग उधर नहीं जाएंगे और वो लोग इधर ना। लेकिन यकीनी बात है कि इनके मुँह में तो खून लगा हुआ था, इराक पर सदियों से जो हुकूमत कर रहे थे और अरब वालों को तो पानी कम चाय समझ रहे थे, तो लिहाजा जो है इन लोगों की ताकत देख करके उनको जो है सब्र ही नहीं होता था। लिहाजा मदियन से जो है जब यहाँ पर कब्जा हो गया है तो यज़दगर्द जो है वो भाग के चला गया है हलवान एक जगह का नाम, हलवान में जा करके जो है फदमर रज़ी अल्लाह ताला नाश्ते के ठीक है तो हलवान में जो है रह करके पूरे एरिया अपना संभालो, हम अपना जज़ीरनुमा अरब संभालते हैं। लेकिन ये हमेशा जो है साजिश वगैरह कर करके अब पूरी फौज को मुतहदा करके एक जंग करा दिया जलो ना। तो अब यकीनी बात है यहाँ पर जब फौज आप जमा करेंगे जंग के लिए तो प्री एंटिव के तौर पर मुसलमानों को भी जंग करनी पड़ेगी। तो पहले इससे पहले लेक्चर था उसमें मैं बताया था कि जलौला फतह हो गया, वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा एक नाम दिया था मैं खूजिस्तान जो आज उभरी है यहाँ पे प्रोविंस है तो उसमें जलौला फतह हो गया। फिर इन लोग ये जमा हो गए अहवास में, अहवास भी पूरा फतह हो गया और अहवास ही में जो हुरमुज़ान जो था जो मदीना लाया गया था और फिर वो मुसलमान हुआ था जो पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाया था ये मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो अहवास भी फतह हो गया, हलवान भी फतह हो गया, जलौला भी फतह, यानी ये समझिए कि इतना एरिया जो है ये फतह। अब ये भी मुसलमान है तो हुकूमत में आ गई। अब यहाँ पर जो सिपह सालार थे वो लोग तो जोशीले होते हैं, लेकिन यहाँ जो कायद बैठा हुआ मदीना में वो कुछ और मिशन लगता है। अब यहाँ के सिपह सालार बराबर कहते थे कि आप हमें ऑर्डर दीजिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी ऑर्डर दीजिए, हम ये कहते थे नहीं किसी को नहीं आगे, तो फिर कहते थे फिर बगावत झेलते रहिए, फिर ये लोग बगावत कर देते थे फिर फौज भेजनी पड़ती थी। अब इसमें एक मसला था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन भी करते थे, आपस में अंदर भी झांक के देखते थे कि ये लोग अहवाज वाले बगावत कर जाते हैं, जलौला वाले बगावत कर जाते हैं या फिलवान वाले बगावत कर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो लोग कहीं जो है मतलब उनके साथ गलत हरकत तो नहीं करते हैं, ज्यादती तो नहीं कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर के जान की बात कर करके बगावत कर देते हैं। क्योंकि इस तरह का मामला इधर से नहीं आ रहा, शाम एक मतलब फतह हो गया तो यहाँ पर स्टेबल हुकूमत थी, यहाँ पर बराबर बगावत हो जा रही थी तो परेशान रहते थे और बार बार जो है इधर से मुसलमानों का वफद बुला बुला करके जो है पूछते रहते थे, नहीं सही सही बता। इसमें से उन्होंने जो ख़ास तौर से उनको बुलाया अहनब बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला, ये बहुत जाबाज़ा इंसान था, बहुत बेहतरीन इंसान, इनको बहुत ज़्यादा इनको जो है फैल मिला, इनको भी बुला 10 आदमी को बुला, अब बोले कि सही सही बताओ कि मुसलमानों की तरफ से तो ज्यादती नहीं है, यानी हम लोग की तरफ से तो कोई ज्यादती नहीं हो रही ना। तो ये बार बार कहते थे कि देखिए हम ना ईरानी अवाम की तरफ से कोई ज्यादती है ना हम मुसलमान हुक्मरान की तरफ से कोई ज्यादती है, असल बिस की गांठ जो है वो है यज़दगर, वो जो उसका बादशाह किसरा वो बैठा हुआ है और बैठे बैठे जो है सबको जो है बरगलाता रहता है, सबको जो है दर्द दिलाता रहता है, कह रहे तुम लोग हार मान गए, तुम लोग सरेंडर कर लिए, तुम लोग सुलह कर लिए, जिजिया अदा करके जो है कहीं रहा जाता है क्या, इससे बेहतर मर जाना, यहाँ तो जोश में आ जाते हैं, फिर वो जो है जमा होते हैं फिर बगावत कर देते हैं
आपको फौज भेजनी पड़ती है, फिर पूछते हैं। तो आप यकीनी बात है कि कुआं को पाक करना है तो खाली पानी निकालने से तो कुछ नहीं होगा, उसमें चूहा मर गया तो पहले चूहा को निकालिए, तब जाकर के कुछ होगा। तो इस लिहाज से जो है अहनब बिन कैस रजी अल्लाह तआला के बाद में दम लगे, बोले अच्छा ठीक है, हम लोग की कोई गलती नहीं है ना, नहीं तो चलो एक चांस और देते हैं, इसके बाद अगर बगावत होगी ना तो फिर मैं पूरे ईरानी को फतह करने का जो है ऑर्डर देता हूँ, ठीक है देख लीजिए। लेकिन ये जब तक ये यजगर्द बैठा हुआ है ये जो है शांति से नहीं बैठेगा, ये हमेशा बगावत कराता रहेगा और आपके लिए और हमारे लिए सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो क्या ठीक है एक चांस और देखते हैं। हाँ तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को मालूम था कि जो है जहाँ पे गुड़ देकर मारा जा सकता है ना तो वहाँ पर जहर देने की जरूरत नहीं, ये इस्लामी हुकूमत के बरकात जब देखेंगे ना तो खुद ब खुद लोग धीरे धीरे इस्लाम को भूल, और ये हुआ भी, ये पूरा शाम मुसलमान हुआ, पूरा मिस्र मुसलमान हुआ, पूरा ईरान मुसलमान हुआ, आज तक मुसलमान है। क्यों हुआ? वो जैसे ही बादशाह का जुल्म हटा, बादशाह की ताकत हटे, मुसलमान आए और उन्होंने उसूल हुक्मरानी इतनी शानदार कायम की, इतना मसावात भाईचारगी बराबरी या सब बराबर कि वो सारे लोग जो मुसलमान ताकत, और आज तक फिर वो जो है कन्वर्ट दूसरे रिलीजन में नहीं। तो हद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को मालूम था कि खाली जोर तोड़ दो ऊपर से, दो सुपर पावर का जो है ताकत हटा दो, उसके बाद जैसे हम एंट्री लेंगे वैसे सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। अब हमको दिखाने के लिए इतना मिल गया है, लिहाजा ये लोग खुद से देख करके जो समझ जाएंगे और खुद ही यहाँ के आवाम जो बादशाह को मजबूर करके हटाएगी और यहाँ पे इस्लाम की दावत। लेकिन यहाँ पर जो बादशाह मौजूद था वो जो है बराबर जो है वो बरलाता रहता था। अब जब ये गुलवान हार गया यजगर, ये भाग करके चला गया रह, ये कैस्पियन सी है उसी के नीचे है, आज भी जो तेहरान यहीं पे कैपिटल इसका है, यहाँ पर गया। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो रईस था यानी इसका जो सूबा है तो उसका जो हाकिम था उसने इनके साथ जो बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, यानी आओ भगत वगैरह नहीं किया, अब थोड़ी सी बेवफाई वगैरह भी किया कि यहाँ से फिर के आ रहे हो ना, आप हमारे पास आए हो, तो अच्छा सलूक नहीं किया। तो इसको यहाँ भी मज़ा नहीं आया तो ये भाग के चला गया और ये खुरासान में जा कर के बैठ गया, एक जगह नाम है गुरु, उसमें जा कर के जो है वहाँ पर जाने के बाद जो है उसने शानदार जो है उसके वहाँ पर आओ भगत हुई है खुरासान। खुरासान जो है समझिए कि पूरा अफगानिस्तान और ईरान का जो है वेस्टर्न पार्ट और जो है साउथ का एरिया पाकिस्तान का थोड़ा सा जो बलूचिस्तान का एरिया, ये तीनों मिलाकर के खुरासान खुरासान। तो खुरासान में मुरू में जाकर बैठ गया, वहाँ पर जो उसको बहुत अच्छा हो भगत हुई, उसने एक शानदार हुकूमत की बुनियाद डाली और फिर आतिश कदा भी तामीर किया, यानी मजूसी लोग यह आग की परस्तिश करते हैं, और फिर आतिश पारसी जो लेकर आया था मदीन से तो उसको भी नसब किया, जो आग जो हमेशा जलते रहना चाहिए बुला गया। तो बेहतरीन से जो है जब उसकी हुकूमत जो है कायम हो गई तो उसको फिर याद आया पुराना दौर, तो हमारी हुकूमत सिर्फ मुरू में रहते रह गए, हमारी हुकूमत यहाँ तक थी, बल्कि ये तो पूरा अरब हमारा अंगूठा के नीचे रहा करते थे, आज देखो हम उनका अंगूठे के नीचे रह रहे हैं। लिहाजा उसको फिर जोश आ गया, समझे कि बासी घड़ी में जो है फिर उबाला है, उसने फिर एक मरतबा सारे जो है सूबे वाले को लेटर लिखा कि क्या क्या जाए, ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे बेगर्दी वाले, कुछ करेंगे कहा, आप करेंगे तो हम तैयार हैं, कहा हाँ एक मरतबा किस्मत आजमाते हैं फिर आजमाइए। लिहाजा इसमें आज़रबाईजान अरबाब आर्मीनिया वगैरह जितना भी था इधर से बोले कि फ़ौज भेजो, तो ये लोग फ़ौज भेजे तो 30,000 फौज इसके पास गया, फिर इधर से मकरान सगिस्तान वगैरह के एरिया से भी डिमांड किया, फिर इधर से भी तकरीबन 30-35,000 फौज, फिर खुरासान में बैठा हुआ था ये तो उस घर से भी 30-35,000 हो गए, तकरीबन 1,00,000 फौज जो है उसको 3 एरिया से मिल गई, फिर ये बीच वगैरह में जो एरिया थे उसमें से भी 50,000 मिल गए, 1,50,000 की फौज इसमें। चलो किस्मत आजमा दी, और एक को सिपह सालार बनाया, उसका नाम था फिरोजान, कहा कि तुम सिपह सालार रहोगे, जा करके नहाविन में जाकर के बैठ गया शाम मिला। और ईरान जो है ये शाम के तरह कोई आसान एरिया नहीं है, शाम वगैरह की जो है ये उर्दून और फलस्तीन ये फ्लैट जमीन वगैरह और ये जरफेज जमीन है, लेकिन ईरान जो है ना ये माउंटेनियस कंट्री, पहाड़ी पहाड़ रेगिस्तान या पहाड़। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो सद्दाम हुसैन ने जो है 1980 में जो हमला किया तो जीत नहीं पाया, उसी वजह से
पहाड़ जो है उसके नेचुरल बाउंड्री को जो है प्रोटेक्ट कर देते हैं, कोई आदमी जो है वो हमला कर ही नहीं सकता, पहाड़ पे चढ़ करके उतरेगा जब तक वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे ज़ैग्रस माउंटेन है बहुत बड़ा, उसको क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हवलदार हर जगह उनका क्या जंग लड़ने का उसूल क्या था, किले बने हुए हैं और चारों तरफ से तीन तरफ से जो पहाड़ है, एक तरफ से ओपन है, उधर खंडक खोद लिए, अपने आप को डिफेंड कर लिए। अब जो दुश्मन है तो वो बाहर जो है धूप छांव में पड़ा हुआ है, जब मौका मिला अचानक अटैक कर दिए, क्रश कर दिए, और अपने को तो कोई अटैक कर नहीं सकता क्योंकि अपन तो खुला में महफूज है, जब खंडक खोद करके उसको डिफेंड किए हुए, ये इनका स्टाइल रहता था। अब नहावत में 1.5 लाख की फौज तैयार, ये समझिए कालसिया में जो है वो सिर्फ 60 लाख फौज लाया था रुस्तम ने, 60,000, और ये जो है नहावत में जो 1.5 लाख की फौज ले आया, आप समझ जाइए। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीन में थे, इनको ये कूफा में आ गए थे, इनको खबर मिली कि इतनी बड़ी फौज आ गई, फिर ये लोग यूनाइट हो गए और जंग के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर लेटर लिखे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन जो है एकदम होशियार हो, वार काउंसिल मीटिंग बुलाई जो कि अशरफ मुबशरा के सहाबा किराम वगैरह थे, तो बोले कि देखो इस बार तो हुमंडाई का फैसला होने वाला, कासिया से बड़ा मार्का होने वाला, क्या राय आपकी, क्या राय आप बताइए। उन्होंने कहा कि ये अगर इसमें क्रश हो गया तो हमारी पूरी फौज क्रश हो जाएगी, क्योंकि वो होम ग्राउंड पे लड़ना जा रहा है, और उनको जो है रास्ते के एक एक असरार रूमों से वाकफियत है, हमारे जो भी फौजी रहेंगे, एक तो बड़े बड़े जो सिपा सालार वगैरह थे उनका इंतकाल हो चुका है, अब यू कमर वगैरह हैं, जज्बाती हैं, जल्दबाज हैं, हो सकता है कि कहीं उनके जज्बात जो है फिर जीत का एक कुमार भी है, हम ही जीतते हैं, लिहाजा कहीं जो हिकमत अमली को अपनाने में गलती ना करते हैं और पूरे हमारी जो फौज है वो क्रश ना हो जाए, तो एक मरतबा क्रश हो जाना तो इनको बूस्ट मिल जाएगा, हम लोग जो मोरल डाउन हो जाएगा, तो मैं रिक्स लेना नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाकर लीड करूँ, नहावन की जंग मैं खुद लड़ूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरी भी यही राय, इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी की उम्मीद कमर को पे जो है नहीं छोड़ना चाहिए, और जो है आप खुद जाए तो बेहतर है, तो मतलब 90% चांस है कि जीत ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला बहुत इसरार किए कि नहीं, आपका मरकज़ को छोड़ना बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है, एक फौज अगर हार भी जाएगी तो सेंटर तो हमारा रहेगा ना, फिर दूसरी फौज तैयार कर लेंगे, उसमें क्या टेंशन, शहादत है मतलब मकसद होगा हमें। लेकिन अगर एक मरतबा खलीफा जो है शहीद हो गया पूरी जो है हुकूमत को लैप्स करता है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, नो डाउट आपके जाने में जो है कामयाबी की चांस ज़्यादा है, लेकिन 10% के रिस्क जो है वो उसका बहुत ज़्यादा जो है बैड इम्पैक्ट आ सकता है। तो फिर उनका मशवरा हुआ कि ठीक है मैं नहीं जाता हूँ, तो फिर नेक्स्ट कौन कौन जाएगा नहावन लड़ने के लिए, तो उसमें यह है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ मुझे मिल गया है नहावन, कौन लड़ सकता है कौन, तो उन्होंने कहा कि नौमान बिन मुखरिन, ये जो है बहुत जाबाज, ये अहमास भी जिताए थे, ये गुलमुज़ान से जो है यही जिताए थे, अब इनकी जो है बहादुरी तो हर लोग जानते थे, इनको जो है जब ये पूरा एरिया जीत लिए थे तो कस्कर का एरिया का इनको हाकिम बना दिया, मैं सिपा सालार हैं इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो आप जो है इस एरिया के जो हाकिम बन जाइए, यहाँ से जिजिया खराज वगैरह वसूल करके मदीना भेजते रहिए और कस्कर को कंट्रोल में रखिए, यानी एक छोटी सी हुकूमत सूबा दे दिया गया। लेकिन ये इतने अच्छे नेचर के थे कि ये बराबर हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटर लिखते रहते थे, अमीरुल मोमिनीन देखे मुझे बहुत डर लग रहा कसकर, यहाँ जो ऐशी ऐश है तो मुझे गफलत का डर लग रहा, कहीं मैं खो ना जाऊँ, यहाँ की लज्जतों में जो है मैं जो है मुनहमिक ना हो जाऊँ, तो मुझे बहुत बेचैनी लग रही है। अब मेरे लिए कसकर की हुकूमत जो है मिसाल से समझिए कि एक बदकार औरत है जो बराबर लुभा रही हो, अब वो आदमी क्या कर सकता, तो मैं बराए मेहरबानी मुझे कसकर से माजूर कर दीजिए, मुझे कोई मैदान जंग में भेज, यानी मुझे हुकूमत की कुर्सी से ज़्यादा घोड़े की जेब जो है ज़्यादा पसंद है। बराबर इनका लेटर आता रहता था रिक्वेस्ट, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मौके की तलाश में थे कि ठीक है कभी ऐसा मौका आएगा तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आप रिजर्व में हैं, अब यहाँ पर ये मौका आ गया तो वार काउंसिल में नाम पेश किया नौमान बिन मुखरिन,
उनकी बहादुरी के तो सब लोगों को इतराफ़ था ही। हाँ बिल्कुल राइट, ये सिलेक्शन। तो इस लिहाज से जो है नौमान बिन मुकरिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया कि आप जो है नहाविन से जो है से जो है आप सिपाही बन के नहीं जाएंगे, बल्कि जो है आप सिपह सालार बन गए। आपको फ़ौज कितनी दी जा रही है भाई? तो कहा गया कि 30,000 की फौज, आसिया में भी 30,000 थी, आप 30,000 ले जाएंगे। इस लिहाज से जो है ये कूफा से जो है नहाविन की तरफ। अब यहाँ पर यह फौज जमा है, फौज जमा है, तो ये लोग तो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 5 गुना थे, 25-150 और ये 30,000 थे। तो ये लोग भी जोश में थे, तो ये लोग भी उनके खंदक वगैरह तो खोदे हुए थे पहले से, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि हम 1.5 लाख हैं और होम ग्राउंड पे हैं और ये लोग ये 30,000 हैं और ये है बाहर हैं, लिहाजा जो हम लोग मैदान में बाहर आने पर देते हैं एक थ्रेट, और अगर सक्सेस मिल गया तो क्रश करते चले जाएंगे और नहीं हुआ तो फिर खंदक कागज अंदर घुस जाएंगे, सेव कर लेंगे। इन्होंने आए और ये आकर के ट्राई, तो 2 दिन तक जंग चली, 2 दिन जंग चली तो मुसलमान भारी पड़े, भारी पड़े। इन लोगों को लगा कि नहीं भाई रिस्क लेना चाहिए नहीं है कि हम लोग जो है तादाद में कम देख करके इन पर अटैक किए, लेकिन ये भारी पड़ गए हैं, तो लिहाजा सब लोग जो फिर किला में घुस गए। अब किला में घुस गए, सेफ जोन था, उन लोगों को जो बैकडोर वगैरह भी मालूम था उसमें से चले गए, आगे खंदक है, खंदक के बाहर फिर जो है नुकीले नुकीले जो है कील गाड़े हुए थे, तीन तरफ से निकला हुआ नुकीला जो है मतलब कील, एक कील जो है जमीन के अंदर और 2 कील जो है बाहर निकला हुआ, ताकि घोड़े के जो है पाँव में छुप जाए तो घोड़ा दौड़ ही ना, इतना ज़्यादा कील। तो अब जो है जलौला में तो क्या हुआ था कि ह्यूमन वेव्स के जरिए से वार कर दिया गया था, खंदक पार कर दिया गया था। एक जंग का ये भी तरीका रहता है कि एक जगह ब्लॉकेज है उसको इतने ज़्यादा तेज तादाद में अटैक कर दो कि सामने वाला गोली भी चलाएगा तो कितना चलाएगा, 100, 50, 200, 500, 1,000, 10,000 मरेगा। अब क्या कर लोग रहेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो जलौला में तो ये किया गया था, यहाँ पर तो ये घोड़े दौड़ नहीं सकते थे, तो अब क्या किया गया? लेकिन नौमान बिन मुकरिन तो कहते कि मैं तो बिना जो है खाली ऐसे में अटैम्प्ट जैसे नहीं करूँ, ये तो अपने जो है किले में है, घर का खुराक वगैरह भी है, सारी चीज़ें, हम लोग तो धूप के नीचे छाँव के नीचे हैं, तो हम कब तक इनका इंतज़ार करते हैं, हमको जल्द से जल्द यह फतह चाहिए। तो ये जाँबाज भी थे जल्दबाज भी, क्या हमको फतह चाहिए तो चाहिए, नहावन हम फतह करना भाई, कोई रास्ता ही नहीं है, खंदक खुदा हुआ नोकील कील गड़े हुए हैं, और वो लोग जो अपने जिसमें जो फोर्ट में किले में महफूज है कैसे अटैक करेंगे, कोई भी तो रास्ता मिले। इन्होंने कहा कि चलो एक दिमाग लगा, दिमाग लगा जिसे पास आ जाता था काम में दिमाग लगाना। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा दस्ता बना उसको भेजते हैं गेट मैन गेट पर, छोटा सा दस्ता देख करके जो है ईरानी फौज के जोश बढ़ जाएंगे कि छोटा ही सा तो है, 500, 1,000, 2,000 है, उसको चलो क्रश कर देते हैं जाकर के। तो वो जाकर के गेट पर लड़े, अब वो जानबूझ करके कुछ ही देर के बाद जो है हारने की एक्टिंग करे, हारने की एक्टिंग ऐसा करे कि वो भागे वहां से, तो यकीनी बात है कि ईरानी फौज उसको दौड़ाएंगे पीछा करेंगे, वो फिर थोड़ा कन्फ्रंट करे फिर हार करके भागे, फिर कन्फ्रंट करे फिर भागे, इस तरह धीरे धीरे जो है वो सांप जो है बिल से निकलेगा और हम लोग एक मैदान में जा करके छिप जाते हैं। अब फिर जब इनको पकड़ पकड़ के लाला करके जो है वहाँ तक ले आएंगे तब हम चारों तरफ से भाई इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, कौन ऐसा कर सकता है जाए उसका सांप को बिल से निकाल करके उनको से निकाल के लाए। तो उसके लिए कहा कि हाँ एक सिपहसालार जो कर सकता है, उनका नाम था काका बिन मामर, इनको आप जानते हैं कि हर जगह इन्होंने कहा मैं कर दूंगा ये काम। तो इन्होंने नौमान बिन मुकरिन ने कहा तो फिर घेरने का काम मैं ले लेता चल, यानी जहाँ पर मुझे जो है फौज को बिल्कुल पहाड़ के जंगल में छिपा के रखना है ये मैं कर लेता हूँ, अब तुम खाली जो है इसको अपने एरिया से निकाल के लाओ इस मैदान। तो वही काका बिन मामर गए और जो है 2,000-3,000 की फौज भी गेट पर जाकर के जो चैलेंज वगैरह किए लड़ान हुए, तो फिर जो है हारने का एक्टिंग करके भागने लगे, तो दौड़ा फिर उतर के थोड़ा सा तो हाथ कन्फ्रंट किए फिर भागे, इस तरह भागते भागते जो है आप जानते हैं कि जब लोग हारने लगते हैं तो सबको जोश आ जाता है, तो जंग योहर में भी देखे थे। तो इस लिहाज से ईरान की पूरी फौज ही निकल गई, अब चलो जो भी माल गनीमत हाथ लगेगा जो है 2,000-4,000 को क्रश कर दे। काका कन्फ्रंट करते करते उनको वापस लाते लाते जहाँ तक उस मैदान में ले आए जहाँ वो लोग पूरा जो है मनसूबा बनाए हुए थे,
और इनका जो है ईरानियों का मजूसियों का आखिरी फौज जब उस एरिया में एंट्री कर लिया है तब जो है नौमान बिन मुकरिम चारों तरफ से इनकी फौजें खड़ी, पूरा जो है उस एरिया को जो है घेर लिया गया। अब ईरानियों के पास जो है वापस जाने का कोई चांस ही नहीं था। अब वापस जाने का जब चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो उसका एक निगेटिव असर रहता है। निगेटिव असर क्या रहता है कि जो आदमी समझ जाता है कि अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब हमको मरना ही मरना है, तो फिर वो उसके अंदर दसगुना ताकत आ जाती है। तो यही इसका नुकसान ये हुआ कि अब ईरानियों को लगा कि मैं चारों तरफ से गिर गया, अब कोई सवाल ही पैदा बस के जाने का, तो अब लड़ो जम करके। अब लड़े तो वाकई में वो ईरानी भी ईरानी थी। आप जानते हैं कि ये जो है फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तान। ये बंदे सहराई का टक्कर बंदे कोहिस्तानी से था, यहाँ असल कोहले वह से टकराया। ये तो एकदम जो है बॉयलर लोग थे, इससे कुछ थे नहीं। ईरानी लोगों का हजारों साल से हुकूमत थी ऐश के दिलदादा हो रहे थे, जैसे आज का अरब लोग बिल्कुल जो ऐश में बड़े बड़े जो खोखले होते, वरना जो अरब फाइटर जो दुनिया के मशहूर होते, इनसे जो है लोहा का लोहा टकराया। कहा जाता है कि इतना घमसान का रन पड़ा है कि लैलतुल हरीर याद आ, लैलतुल हरीर जो थे वो कादसिया के एक रात, एक तो हवाज में भी याद आए थे और एक यहाँ भी याद आ, रात भर जंग चलती रही जहाँ तक कि पूरा दिन आ गया। अब फिर जो जंग जारी है दोनों तरफ से, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था, मुसलमान के पास जो है ऑप्शन था कि वो भाग सकते थे, लेकिन मुसलमान के जो है पाँव पड़ने वाले हैं नहीं, वो तो शहादत की नीयत से गए हैं। लिहाजा वो जो है 30,000 और 1.5 लाख तकरीबन 2 लाख फौज गिरेंगी तभी कुछ होगा। इतनी लाशें गिरी है कि घोड़े के पांव जब फिसलने लगे खून की वजह से, पहाड़ी रेतीली जमीन थी, खून की वजह से घोड़े के पांव नहीं काम कर रहे थे। बिल आखिर दोनों मैदान में जैसे उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो भी और आखिरी ही जंग लड़ रहे थे, उनको मालूम था कि ये हारे तो फिर पूरा क्लैप्स। अब दूसरा नंबर में यहाँ पे भागने की भी जगह नहीं है, भागना है तो खंदक के पार करके जाओ, खंदक में तो खुद जो नोकीले कांटे खुद जो है गाड़ के रखे हुए हैं। आधा जो है घोड़े के पांव फिसलने लगे उसी में जो है बैड न्यूज आया मुसलमान, बहुत लाशें गिरी, खुद नौमान बिन मुकरिम के घोड़े के पांव फिसले, ये पूरी तरह गिरे और इंजो। लेकिन इसमें क्या था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि ये जंग बहुत खतरनाक है, तो बोल दिए थे कि नौमान बिन मुकरिम इसके सिपा सालार रहेंगे और अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर हुज़ैफ़ा बिन यमान जो है सिपा सालार होंगे, और ये भी शहीद हो जाएं तो फिर जो है नईम बिन मुकरिम जो है होंगे, यानी इनके भाई नौमान नईम। यदि ये बिल्कुल जंग मोता वाला स्टाइल था, ये ऐसा हो जाता ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाता ऐसा कर लेना। नौमान बिन मुकरिम का घोड़ा जैसे फिसला है, ये पत्थर गिर कर जोड़ हुए हैं, तो फौरन नईम बिन मुकरिम आकर का ओवरटेक करें, और फौरन जो है इनका लिबास उतारे जल्दी से, और फौरन अपने आप को पहन जो भी उनका गेटअप वगैरह था, अब घोड़े पे चढ़ गए, नहीं सिपा सालार को कुछ नहीं हो, मैं उसी पास नौमान, क्योंकि अगर मालूम हो जाता कि मुसलमानों का सिपा सालार जो है इंजोर्ड हो गया, खत्म हो गया, तो मोरल डाउन हो गया। लिहाजा इनको साइड से छिपा दिए किसी तरह, आप एहसास ही नहीं होने दिए कि सिपा सालार को पूछो, सिपा सालार तो मैं हूँ, लिहाजा ये जो है अपना दर्द वगैरह से कराते रहे, और नौमान बिन नईम बिन मुकरिम जी ने मामला को संभाल लिया। फिर जब पूरा दिन जो है लड़ाई होती रही, रात का जब अंधेरा छाया है, तब ईरानी लोगों को जो है हौसले पस्त हो, भाई ये लोग अब तब जा करके वो लोग जो है मैदान से जो कदम उखड़े और भाग, भाग के जाते कहाँ, वो तो खुद ही खंदक खोदे हुए थे कि नुकीले जाए, तो उसी में गिर गिर के मरे, और फिर जो मुसलमान लोग दौड़ा दौड़ा करके मारे, यहाँ तक कि पूरे जो है नहावन जो है क्रश कर। इसी वजह से इस जंग को कहा जाता है फतहुल फुतूह, ये मतलब हजार फतह के बराबर था फतहुल फुतूह। इसके बाद मालूम हो गया कि अब जो है दुनिया में कोई रुकावट, मतलब पूरे ईरान में कहीं रुकावट नहीं, क्योंकि हर जगह से जो सीधा सीधा बहादुर नौजवान थे सब आ गए थे, 30,000 इधर से आए थे, 30,000 इधर से आए थे, 30,000 इधर से आए थे, सब आ गए थे, लिहाजा इसको नाम दिया गया फतहुल फुतूह। तो ये जो है एक सिपाही, जब जंग का मामला बिल्कुल ठंडा हुआ है, तब जा करके एक सिपाही आम सिपाही अपने अपने कैंप पे जा रहे थे,
उनकी नज़र पड़ गई नौमान बिन मुर्रे, तो हल्के हल्के सांस चले, तो बोले कि आप नौमान? कहा हाँ, बताओ जंग का रिजल्ट क्या रहा, जंग सफर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जंग जो है जीत ईरानी लोहार, उसको उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब बोले कि हुज़ैफ़ा को बोलो जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा था वो ओवरटेक कर लें और फतह की खुशखबरी जो है जल्द से जल्द अमीरुल मोमिनीन को जाकर बताओ। इतना बोलना था कि उनके ऊपर बात शहीद हो गए वहीं पर। हुज़ैफ़ा बिन यमान जो है अब जो है पूरा चार्ज लिए, पूरे माल गनीमत वगैरह को जो है समेटे और चार हिस्से को जो है मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए, पाँचवा हिस्सा और फतेह की खुशखबरी दे करके ये जो है एक साहब थे साहिब को दिए कि जाओ आप अमीरुल मोमिनीन को बताओ। अब यहाँ पर तो बिल्कुल रात दिन इंतज़ार हो रहा था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मदीना से बाहर आकर के इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, इधर ये मामला अटक गया था क्योंकि ये लोग जो है किला में बंद हो गए थे, तो दूरी से देखे साहिब का क्या न्यूज़ है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हो, तो जैसे ही मुस्कुराए लेकिन बोले नहीं नौमान शहीद हो गए। तो फिर जो खुशी का पानी फिर गया और इतना रोए कि हिस्सियाँ बदल। लेकिन ये था कि एक तरफ जो है नवाबंग के जो है जीतने की खुशी थी लेकिन नौमान की शहादत की जा रहा हुआ इस तरह से। अब यह है कि अहनब बिन कैस फिर आ गए, अब इनकी बात में दम आ गई, बोले देखो ये क्यों ऐसा कर रही, सब एरिया से आकर के जो है कर रहे हैं क्या काम, तो आपको मैं शुरू से बोल रहा हूँ ये यज़दगर्द जब तक नहीं ये ईरान से निकलेगा ना ये आपको लड़ना ही पड़ेंगे इतने इतनी बड़ी। अब ये जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला समझते थे कि दुश्मन भी जो मर रहे हैं तो वो हमारे आदमी, क्योंकि कल होकर के अगर वो ईमान कबूल कर लाता तो वो हमारे ह्यूमन एसेट बनता, तो अब हमारे तरफ से मरे या किधर से भी मरे लॉस तो अपना ही हो रहा। तो फिर इनकी बात अब वजनी हो गई कि आपको मैं कह रहा हूँ कि एक मरतबा जो भी होना होगा ऑपरेशन कर दो, यज़दगर्द को इस हदूद ईरान से निकाल, आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा, मैंने इसको खदेड़ खदेड़ के निकाल दिया, बताएं आप उसके बाद बगावत में जा तो बताएं, ऐसी बात ना। चल यहाँ से जो मुहिम का आगाज हुआ 9/19 से लेकर के 23 यानी 4 साल के अंदर में पूरा ईरान बदल गया और कहीं भी बड़े मारका हुए ही यानी खटाखट जो है और एक साथ चार तरफ। इस लिहाज से जो है इसको जो कहा गया था इसको नाम दिया गया था फतहुल फुतूह, तो वाकई में फतहुल फुतूह हुआ और अहनब बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जो इनका जो असेसमेंट था वो बिल्कुल परफेक्ट। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब कूफा में भी ऑर्डर दिए, ये मुसलमानों की दो छावनी बसरा और कूफा, ये बॉर्डर ही पे फौजी छावनी रहे ताकि यारा महफूज जो भी लड़ाई होना इधर ही हो जाए, ये दो छावनी इधर बना लिए थे। अब यहाँ पर कूफा में जो ऑर्डर दिए साथ में अभी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने बसरा में अब्दुल्ला बिन उस्मान दोनों को ऑर्डर दिए कि आप जो है आप लोग तैयार हो जाइए, आप यज़दगर्द को खदेड़ दें, अब पूरा ईरानी फतह कर लेते हैं, अब अपने हिसाब से ही कर लेते हैं। इस लिहाज से जो है नहावन जैसे ही फतह हुआ तो नौमान बिन मुकनी तो शहीद हो गए। अब हुज़ैफ़ा आए, हुज़ैफ़ा जो है वापस आ रहे थे कि उनको बताया गया कि उसका सिपा सालार जो मरा नहीं फिरोज़ान जो था तब वो किधर चला गया, क्या वो भाग करके लगता है इधर ये हमदान चला गया यही एरिया था नज़दीक। तो उन्होंने एक दस्ता दिया 5-7 हज़ार लोगों का, अक आगे जाके कम से कम फिरोज़ान को मार के था, तो ये जो है एक दस्ता किया नहावन से हमदान और रास्ते ही में वो पकड़ा गया फिरोज़ान आ इसको ख़त्म हो गया। तो हमदान वाले जो है डर करके सुलह का दरख्वास्त कर दिए कि भाई सुलह से मुराद सुलह हुदैबिया नहीं, सुलह से मुराद के हम जंग किए बगैर सरेंडर करें, फतेह से मुराद के लड़ करके हम उसको जीतें। तो सुलह में ये है कि वो जिजिया देगा और उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो इस तरह से उन लोगों ने कहा कि हम हार मानते हैं हम नहीं लड़ पाएंगे हम जिजिया दे करके आपके अंडर। तो हमदान फतेह हो गया, यहीं पर और भी लोग आए वो लोग भी आकर के ये किए। अब यहाँ से जो है वापस आने लगे, वापस जैसे आने लगे कि हुज़ैफ़ा बिन यमान को खबर मिली गया हमदान वाले बगावत कर दिए, तो फिर नईम को भेजे कि फिर जाओ इनको तो दिमाग फिकर गया, एक मरतबा तो चांद दिए थे, गए चारों तरफ से घेराव कर लिए हमदान वाले को,
तो फिर और डर करके फिर कह के चलिए हम सिलेक्ट करते, तो सलमान ने कहा कि ठीक है मैम गलती बार बार माफ़ करता, अगर बार बार नहीं माफ़ करता तो चलो एक मरता और तुमको बगावत मत किया। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है हमदान फतह कर लिए। अब इसके बाद जो है कौमस एक जगह है, नईम ने जो है अपने भाई को जो है उनका नाम था सुबह, उनको बोले कि तुम जो है इधर चले जाओ कौमस को फतह करो। अब देखे पूरे खानदानी जैसे पैसा वो गए कौमस पर चढ़ा के, तो उन लोगों ने डर से जाके हम सुलह कर चलो फिलहाल ये फतह हो गया। फिर ये आगे बढ़े जर्जान की तरफ, ये भी आकर के जो है सरेंडर कर दिए, ये भी आराम से फतह हो गया। फिर तब्रिस्तान वाले खुद ही आ गए उनके पास कि देखिए हमारी एक शर्त मान लीजिए तो हम भी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। क्या है आपकी शर्त? तो देखिए ये हम महीना महीना परसेंटेज वाइज हम जिजिया उजिया नहीं लें, इतना आया तो इतना दो, इतना परसेंट दो, लमसम बोलिए साल भर में कितना लेंगे। उनको बार बार देने से जो है इंसल्ट होता ना, एक साल बोलते कि एक साल में इतना लेंगे, अब इतना आपको हमसे मतलब, हम तो आपसे मतलब हम अपने एरिया में हुकूमत करेंगे। मुसलमान ने कहा कि चलो मैं मानता हूँ, तो 5,000 दिरहम सालाना पे जो है उनसे जो है, तो ये समझे कि ये एरिया जो है वो पूरा फतह हो गया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जो है बसरा का हाकिम को बोला कि ये अस्फहान के लोगों को फतह कर लो। तो अस्फहान का जो है जो सिपा सालार था उसका नाम था असफीसान, असफीसान नाम वगैरह ही रहता है। तो ये थोड़ी सी लड़ाई किया लेकिन लड़ाई के बाद हार गया, तो ये अस्फहान फतह हो गया। लेकिन ये अस्फहान जो ये प्रोविंस था इसका असल जो कैपिटल था वो जई, तो जई पे जाकर अटैक कर दिए। वहाँ का जो सिपा सालार था जो बादशाह था उसका नाम था फाजुस खान, तो वो आया कि आगे भाई मैं लड़ूँ। इधर से जो गए थे वो अब्दुल्ला बिन उस्मान गए थे जो बसरा के अमीर थे, बोले कि भाई तुम्हारा बादशाह कौन है वो हमसे लड़े, जीत जाएंगे तो फिर हो जाएगा। तो आया मैदान में मुबारजा हुई, फाजुस खान ने जो है अब्दुल्ला बिन उस्मान पर अटैक, तलवार से पहले एक ये अटैक करता फिर उसकी बारी आती है वो डिफेंड कर रहे हैं। तो इसने जैसे अटैक किया तो बहुत अच्छे स्टाइल में अब्दुल्ला बिन उस्मान ने चकमा दे करके जो है उनके वार को मतलब कैंसिल कर दिया, मतलब कोई नुकसान नहीं हो पाया। अब इनकी बारी थी कि आप ये व्यवहार करेंगे आप तुम डिफेंड करो, तो अब ये अभी तलवार तौल ही रहे थे उसने कहा नहीं मैं सरेंडर करता, मैं माफ़ करते क्या। अब मुसलमानों का अखलाक देखे कि यहाँ तक है कि तुम तो हमको ट्राई कर लिए थे, अब हमको ये पता ट्राई करते थे। अब उसको मालूम था कि जो आदमी इतना अच्छा से डिफेंस किया है वो अटैक की तरफ खूबसूरत करते हैं, उसने कहा भाई हम जो है समझ गए आप माफ़ करते क्या मुझे, कल्चर हमारा मकसद जो है कत्ल करना नहीं है, हुकूमत की इस्लाह की, इस लिहाज से ये दोनों एरिया भी जो है ये आराम से बचा होगी। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला भाई इधर आगे चले जाते हैं, इधर जो है ये नईम बिन मुकरिन को बोले कि यहीं से जो है एक एरिया में चले गए और रैब के करीब जो है एक एरिया है उसका नाम था रूद, वहाँ पर जो है ये आज़रबाइजान वाले ये सारे एरिया वाले जो है फौज जगह जमा हो, वहाँ पर जो जंग हुई उसको जीत लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मालूम हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये जो है जगह कोई अहम नहीं है, रह को फतह कर ये असल ये यहाँ पर आज कल तेहरान कैसपेंसी के नीचे, तो रह में जाकर के मुकाबला हुआ तो रह कभी जो है जीत लिए। अब उसका जो है हाकिम जो था वो था, अब वो कैसे जीते उसमें भी अल्लाह ताला की एक मदद आ, क्योंकि वहाँ का हाकिम जो था वो बड़ा बहादुर सियाबुश नाम था, जंग चल रही थी घमसान की जंग और जीत हार हो ही नहीं रहा, उसी में से भी अल्लाह तबारक तआला ने एक आदमी को तोड़ करके भेज दिया, उसका नाम था अबुल फरखान, वो ये रईस था वहाँ का, वो आकर के मुसलमानों के कैंप में चला आए इस्लाम कबूल कर लिया। अब बोला कि देखिए आप मुझे छोटा सा दस्ता दीजिए, मुझे बैकडोर तो मालूम है, उन लोग मालूम है कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ, मैं अंदर चला जाता हूँ, आप बाहर से नारे तक भी लगाएगा हम अंदर से लगाएंगे आराम से जीत हो जाएगी। लिहाजा इस तरह से जो है नई मुसलमान ने कहा ठीक है एक दस्ता दिए ये अंदर चले गए, और जैसे ही अटैक के नारे तकबीर बोले वो तो अंदर से नारे तकबीर बोल दिए और जाकर के जो है अरे फतह हो गया। तो इनको तोहफे में जो है रह का वाली बना रही हो। अब यहाँ से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कूफा से डायरेक्ट जो है इधर आज़रबाइजान अलबाब आर्मीनिया, अभी जो 6 महीना 3 महीना पहले जंग हुई ना आज़रबाइजान आर्मीनिया में शानदार फतह हुई तुर्की की मदद के ज़रिए से, इधर के जो है ये समझिए कि ब्लैक सी या कैस्पियन सी के बीच का भी एरिया। तो यहाँ पर जो एक सहाबी थे उनका नाम था बकीर बिन अब्दुल्ला,
इनको टारगेट दिया गया था। और नईम बिन मुखरिम को कहा गया कि इधर एक फौज जा रही है, आप इनकी मदद कीजिए, जैसे फारिग हो जाते हैं। तो ये बकीर बिन अब्दुल्ला का आज़रबैजान से पहले ही एक जंग हुई। वो किससे जंग हुई कि रह के लोग जो हारे थे, इसका तो अमीर जो हार गया था, तो ये लोग यहाँ पर आकर के जमा हो गए। किसके सरदारी में? रुस्तम का एक भाई था, उसका नाम था इस्फंदरियार। वो कहा गया हम लड़ते हैं, हमने हार नहीं मानी, आओ कौन आता, एक बड़ी फौज ले आया। तो यहाँ पर जो उसको जो है, लेकिन वो बहादुर तो था लेकिन फौज बड़ी कम थी, मुसलमानों ने उसको जिंदा ही गिरफ्तार किया। उसके जगह का नाम था जुर्म मैदान, यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही मुसलमान लोग उसको कत्ल करने के लिए आगे बढ़े, कह रुक जाओ, क्या हुआ? कहा देखो तुम्हारे लिए एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। कहा दो क्या मशवरा? कहा मुझे मतलब कत्ल मत करो। कहा क्यों? कहा देखो मुझे कत्ल मत करो और मुझे साथ लेकर के चलो आज़रबैजान। अगर मुझे कत्ल कर दिए तो आज़रबैजान वाले किसी भी कीमत पर तुमसे सुलह के लिए हथियार नहीं रखते, लेकिन अगर मुझे कत्ल नहीं करते हो, मुझे साथ ले जाते हो, तो मैं अगर उनसे बोलूँगा ना कि तुम लोग सुलह कर लो मुसलमानों से, तो वो तैयार होता है। तो तुम लोग बोलो जंग चाहते हो या सुलह, हम लोग तो सुलह ही चाहते हैं कि तुम लोग सरेंडर करो। तो नईम बिन मुखरिम बकीर बिन अब्दुल्ला जो है उनकी बात मान लिए, चलो तुमको कत्ल नहीं करते। तो इस लिहाज से आज़रबैजान के पास गए तो किसी ने कहा कि भाई तुम लोग सुलह कर लो, इनसे लड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी ताकत है। तो सारे आज़रबैजान वाले हथियार डाले, इस तरफ फतह हो गई। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऑर्डर आया, एक और फौज भेजे, बोले कि अब जो है अलबाब को भी फतह करो, ऊपर या आर्मिया से ऊपर है थोड़ा सा। वहाँ पर जो है सिपाही को भेजे थे सुराका, सुराका बिन अम्र, उनको भेजे। लेकिन ये जो है इनके पहुँचने से पहले यही लोग हैं फकीर बिन अब्दुल्ला, जा करके घेर लिए। तो घेरना था कि अलबाब का जो हाकिम था उसका नाम था बर्रास, उसने आकर के खुद ही सरेंडर कर दिया कि देखिए पहले हम लोग ईरानियों के गुलाम थे, यानी उनके हुकूमत में थे, अब आपके हुकूमत में आ जाएंगे, हमारा क्या, चेंज ऑफ मास्टर का मामला है, पहले उनकी बात मानते हैं, आपकी बात मानेंगे, लेकिन एक शर्त कि हम जो सुलह के लिए बिना लड़े भिड़े तैयार हैं, बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझसे जिजिया नहीं लेंगे। ये बड़ा इंसल्ट, क्या भाई जिजिया नहीं देंगे तो फिर क्या हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे? वो नहीं, तो उसके बदले में हम आपको फौजी खिदमत दिया करें, आपकी जंग चल रही है ना, तो हमारे तरफ से भी 10,000 फौज रहा करेगी, जंग लड़ेगी। तो लोग मुसलमानों को लॉजिकल लगा, हम उमर फारूक से मशवरा लिया, मोहम्मद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि जिजिया जो होता है वो होता ही ये फौजी खिदमत के बदले कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे दुनिया के सुपर पावर के जुल्म से, उसके बदले में आप हमका जो है टैक्स अदा करें। लिहाजा वो जो है पैसा ना दे करके जो है फौजी खिदमत ही दे रहा था, चलो कोई बात नहीं। इस तरह बाप जो है घोसला हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो सुराका जो थे उनका इंतकाल हो गया, उसके नायब था अब्दुलरहमान, वो आ गए। यहाँ से जो पूरा एरिया जो है समझिए आज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जो आज के दौर में मैप में देखेंगे, यानी कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच के जो एरिया, उसमें चारों तरफ फौज फैला दिए, मोबिंग ऑपरेशन करके आ गए, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब ये बर्रास जो था वो सुलह कर लिया था, तो अब यहाँ पर जो है वो अब्दुलरहमान जो थे उनको हाथ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऑर्डर दिए कि अब यहाँ से तुम चले जाओ इधर कैस्पियन सी के इधर तुर्किस्तान, अब उधर जाकर के थोड़ा थ्रेड दे गया। तो यहाँ से जब ये फारिग हो गए तो ये बर्रास ने पूछा कि भाई अब क्या है, नेक्स्ट क्या है दादा? आप में जो मुझे ऑर्डर मिला है कि ये कैस्पियन सी के जो है ईस्ट में जा करके तुर्किस्तान, जो वहाँ के जो कैपिटल था बलंजर, उसको जाकर के थ्रेट करना। कहा उसको जाके थ्रेट करोगे? हाँ मुझे ऑर्डर आया। कहा अरे अल्लाह की पनाह, हम लोग तो है सिर्फ इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि वो लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे, अब उसको जाके कोई छोड़ेगा तो बचेगा क्या? कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि हमारे साथ कैसी जमात है, तुम अपने ऊपर क्यों हमको लिया महमूल कर रहे हो, हम अलग है तुम अलग हो, तुम डरते होगे उनसे, हमारे साथ ऐसी जमात है कि अगर हमको ऑर्डर मिल जाए तो सत्य सिकंदरी को पार कर देंगे हम। कहा कौन सी जमात है भाई जो आप इतना करें, हम लोग नहीं लड़े तो क्या मतलब? कहा हमारे पास जो है ऐसी जमात है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौगत में जो है जिंदगी गुजारी,
लोगों को जो है जिस तरह तुम लोगों को जिंदगी प्यारी, उनको मौत प्यारी, यहाँ था वो कुछ भी करने के लिए तैयार। कहा मैं तो नहीं समझता था कि इतना ज़्यादा जाँबाज हूँ। कहा नहीं देखो मैं जहाँ से बताता हूँ ना तुमको। और ये फौज लेकर के कैस्पियन के पार कर गए और बलंजर में, बलंजर से भी आगे 200 किलोमीटर आधार अंदर घुसे। अब तुर्क नस्ल जो है हमेशा से जो बहादुर को हम मानेंगे, ये मंगोल वगैरह से जो है हमेशा की लड़ाई रहती। तुर्क फौज को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर भी कोई हिम्मत कर सकता है अटैक करने का। तो उन लोगों में मशहूर हो गया कि ये लोग इंसान नहीं फरिश्ते हैं, इसे मत लड़ो, वरना इंसान तो हम लोग से टक्कर लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता, ये लोग फरिश्तों की जमात लग रही। यहाँ तो उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, ये पूरा जो है घूम फिर करके पूरा ये जो था ये पूरा जो है शिमाल की तरफ किया हुआ। मैं पूरा बताया इधर तो आप इराक आ गया था, मुसल है, नैनवा है, ये है तुर्की की तरफ जो बढ़ने से मना कर दिया कि अभी इसको रहने दो। ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला तुर्किस्तान में फतह नहीं हुआ, खाली जो थ्रेट लेकर के आ गए कि हम तुमसे भी टक्कर लेने के लिए तैयार अगर तुम आते हो मैदान में। बाकी हमको अभी मकसद ईरान से है, ईरान के बॉर्डर को हम क्लोज करना चाहते हैं। बाकी अब तुम अगर हमको नहीं छोड़ोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम अपने हिसाब से रहो हम अपने हिसाब से रहो। लेकिन ये फिर मामला अटकेगा जो है उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने दिखा, तो उसको तो उनसे चुनौती पता होगा। अब रह गया खुरासान, ये पता कर लेते हैं फिर जो है यहाँ पर असल आया अहमद पिलकर भाई। आप ही जाए इतना जो है मशवरा देते करके किए थे, ये हिस्ट्री में इनका नाम है फातह खुरासान। इस तरह से फातह ईरान जो है साथ भी नबी वक्कास है, इनसे ज़्यादा पॉपुलर हिस्ट्री में जो है अहमद पिलकर ये फौज लेकर के निकले हैं 30,000 खुरासान। ये जो हरात हैं इसको जा कर के जो है पहले जीत गए। अब यजगर इनका टारगेट था यजगर, मैं तो जो है वो कुआं में से जो है चूहा निकाल के फेंकूँगा तभी जाकर पानी पा। ये हरात में जैसे ही इसको फतह किए हैं कि ये मुरू में जो है ये यजगर बैठा हुआ था। अब मुरू जो था वो दो था, जैसे कहते हैं नवी मुंबई, पुरानी मुंबई, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। तो एक मुरू जो है मुरू शाहजहाँ, मुरू रूद, तो जहाँ पर वो बादशाह था उसका नाम मुरू शाहजहाँ मशहूर हो गया। तो ये यहाँ से जो है अटैक किए मुरू शाहजहाँ, वो देखा यजगर के अरे ये आ रहा है ना फिर बड़ी फौज लेकर के, वो भाग करके मुरू रूद का ये क्या कहते इधर आ गए तुम, इधर आ गए। ये देखा कि अरे मुरू रूद की तरफ आ रहा है, तो ये जो बल्ख की तरफ भाग, अब ये बल्ख की तरफ गए तो ये जो है भाग गया तुर्किस्तान दरिया जीवन को पार कर, आमू दरिया जिसको बोलते हैं, जिसको मावरा नर मावरा नर हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। अब ये तुर्किस्तान वाले से मदद कर रहा था कि बचाओ बचाओ, चीन वाले से भी मदद कर रहा था बचाओ, कोई काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये खुद जो है दरिया पार करके भाग गया है, अब फिर देखा कि यजगर खुद आ गया हमारे यहाँ, तब तुर्किस्तान का बादशाह वगैरह ने इसको सीरियस लिया, कहा नहीं नहीं आपके साथ कौन ऐसा कर सकता हमें ना। अब तुर्की वाले को जो है काम खड़े नहीं ना, हम आपकी मदद करेंगे, कौन आपको एरिया अपना खदेड़ दिया आपको बल्ख तक, देखो ना ये मुसलमान फौज खदेड़ दिया, कहा चलो हम आते हैं। तो दो फौज तैयार किया, एक तुम ले लो फौज हम ले लेते हैं, और एक जो मुरू शाहजहाँ पे एक मुरू रूद पे करते हैं। तो ये जो है मुरू रूद पे जो है कुछ है यसगर्द आया, अब मुरू शाहजहाँ पे जो है वो तुर्किस्तान का जो है बादशाह है आया फिर कैस गया मुरू उसको जो है अच्छी तरह ठुकाई, वो जो है सब तो छोड़ छाड़ करके फिर भाग गया अपने भाई। हमको मालूम था कि कोई नरम चाह रहा है तो बहुत हार्ड लोग जहाँ तो भाग गया। तो आप ये कह ये इसको खबर मिली कि ये गुरु शाहजहाँ में तो तुर्किस्तान वाला बादशाह भाग गया डर से, तो हमारे क्या औकात रहेगी जो तुर्की वाला नहीं जीत पाया। तो ये भी गुरिया बिस्तर समेटना शुरू किया, जो भी हीरे जवाहरात लाए थे सबको समेट कर जाने लगा। फिर पब्लिक यहाँ पर बगावत कर गए, कहाँ जा रहा अकेले जा, और पूरा सामान वाला से छीन लिया हीरे जवाहरात, बहुत बेआबरू होकर के फिर जो है वहाँ गया है और वहाँ रहने लगा है। 51 हिजरी में फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के दौर में इसका कदम। तो इस तरह फिर इसके बाद ये मकरान है, सजिस्तान है, ये सब तो कुछ था ही नहीं, बस एक ही सहाबी को भेजते गए छोटे छोटे फौज ले करके और ये सब सरेंडर करते चले गए आराम से। तो इस तरह से जो पूरा ईरान जो है यानी आज के दौर में उसमें अफगानिस्तान भी था, ये पूरा फतह हो गया। तो यहाँ पर जब ये सब पूरी न्यूज़ या खुरासान की फतह की न्यूज़ आई अहनब बिन कैस रजी अल्लाह ताला ता बहादुर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला टेंशन दे लोगों पर मुस्कुराहट आई, बोले जमा करो सब लोगों को मदीना,
मस्जिद नबी में जमा किए तब खुशखबरी सुनाए। आज वो पेशन गोई थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर फाड़ा गया था, और जब उन्होंने कहा था कि इसने लेटर नहीं फाड़े हैं, अपने सल्तनत के टुकड़े किए हैं, तो आज एक चप्पा जमीन उसके अंदर पूरा ईरान को बात करते हैं। लेकिन वहीं पर पीटर फैक्ट तो अब अल्लाह ताला ने इसका इख्तदार तुम्हारे हाथ में, वहां के अवाम पर जो है पर्शियन अंपायर सासानी हुकूमत जो जुल्म करते थे, अब अल्लाह ताला ने तुम लोगों को चांद दिया। तुम लोग अब क्या सामने, अगर तुम इसी उसूल पर बरकरार रहोगे जिस पर हो, तो नो डाउट अल्लाह ताला की मदद बरकरार रहेगी, तुम लोग इसी तरह से जगा नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग बदले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत भी बदलेगी, तुम लोगों को बदल करके फिर अल्लाह ताला दूसरी कौम को पोजिशन देगा। ये हुआ, आप देखेंगे कि जब मुसलमान खुद ऐश परस्त हो गए तो अल्लाह ताला इन फाइटिंग के जरिए से खत्म करा दें। तो इस तरह से जो मुख्तसर किस्सा था, बल्कि तफसील किस्सा भी कह सकते इसको, ईरान कैसे फतह हुआ ये पूरा आप समझिए कि 23 हिजरी तक हम लोग पहुँच गए। अब लेकिन मिस्र बाकी रह गया है, मैं सिस्टमेटिक चलने का जैसे एक तरफ ले लिया, आगे हमका जो है मिस्र कैसे फतह हुआ ये थोड़ा ले लेंगे, फिर उनके शहादत का वाक्य आ गया, और उसके बाद जब फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर शुरू हुआ। तो ये सब जो है पढ़ने से समझने से जो समझ में बात आती है कि मुसलमान जो भी कलमा पढ़ता है तो वो कलमा नहीं पढ़ता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अडॉप्ट करता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, खाली बीवी बाल बच्चों के लेनी है, आप हिंदू रहिए ईसाई रहिए कुछ भी रहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको उम्मत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इंसानियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, दुनिया और आखिरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो आप कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब इसके बाद यू आर सोल्ड पर्सन, अब आप अपने आप को एक मिशन के लिए वक्फ कर दिए, अब आपका अपना जीना मरना अपने लिए नहीं होगा ना फैमिली के लिए होगा, अब इस हिम्मत के कॉज के लिए होगा, इंसानियत के फलाह के लिए। अब जो आदमी कलमा पढ़ करके इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हो कि पूरी दुनिया को रोशनी बिखेरनी है और अंधेरों को ख़त्म करना है, जुल्म का खात्मा करके इंसाफ को कायम करना है, अब वो जो है आराम से ज़िंदगी मिशनलेस ज़िंदगी गुजारे, ये कैसे पॉसिबल। सहाबा किराम की पूरी लाशें जो है यहाँ से पूरे शाम ईरान इराक में फैली हुई है, मस्जिद नबी में तो जो है बाकी बरकत इसमें जो है जन्नतुल बकी में तो आपको सहाबा किराम की लाशें जो है कब्र मुबारक मिलेगी ही, जबकि जन्नतुल बकी में जो है दफन हो गए की फजीलत कितनी है, मदीने में तो इसका इंतकाल होती थी फजीलत, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो निकाल करके कहाँ से कहा। अब फिर अल्लाह ताला ने दिखाया कि चार खल्फा राशिदीन में से तीन खल्फा राशिदीन को जो शहादत की मौत दी अल्लाह ताला। अब मैं जो एक बात दूसरों में बताना भूल गया था कि जब यहाँ पर जो ताउन की बीमारी आ गई, पूरा शाम फतह हो गया था तो ताउन की बीमारी आ गई थी, और उसमें 25,000 सहाबा किराम और मुजाहिदीन का इंतकाल हो गया, समझिए कुछ ज़माने का कोरोना था वो, तो उसकी भी लॉजिक हम लोग सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फर्मा बरदार है, कोई गलती भी नहीं है, फिर भी जो है अल्लाह ताला ने जो है यह कैसा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने असल में उनकी लाज रखी और उनकी दुआओं को लाज क्या रख ली कि ये लोग निकले थे किस लिए, शहादत क्या, लेकिन दुश्मन के हाथों शहादत देते तो यकीन बात एक इंसेंट फील हो जाता। अब हर एक मुजाहिद की तमन्ना थी कि अल्लाह ताला तेरे रास्ते में मैं शहीद हूँ, जान का नजराना पेश करके जो आखिरत में आपके सामने रुक रहा हूँ कि मैंने से क्या हिसाब लीजिएगा रुपया पैसे का, मैं जान तक दे दिया जो सबसे ज़्यादा असीस होती है। तो आप यकीनी बात है इन्होंने तो एक एक खतरा देकर के पूरा अल्लाह ताला की ज़मीन को जो अल्लाह की हुकूमत गालिब कर दिए थे, अब इनकी एक ही आखिरी ख्वाहिश रह गई थी कि अल्लाह ताला शहादत की मौत दे दी। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है शहादत की मौत इस स्टाइल से नहीं थी, इस स्टाइल से स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर ले लिया। तो अल्लाह ताला ने जो है ताउन की बीमारी के जरिए से शहादत की मौत, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है जो आग में जल के मर जाए, जो कट के मर जाए, जो ज़मीन के नीचे दब के मर जाए, या जो पेंडेमिक बीमारी से मर जाए शहादत की मौत होती है। तो इस लिहाज से इन लोगों को शहादत की मौत अल्लाह ताला को बार बार दुआएँ थे देनी थी, इस लिहाज से ये मेरा गेस है दुआओं में हो सकता हूँ, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने अब समझिए अबू उबैदा बिन जर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु जितने दिल से मांगते होंगे शायद मौत को दौड़ाते अल्लाह ताला ने कहा ठीक है इनके जरिए से आपको शहादत देते हैं, और अल्लाह ताला के अख्तियार में आखिरत में स्टैंडर्ड लेवल के शहीद का जो रुतबा देकर के उनको नवाजा जाएगा। तो इस लिहाज से जो है ये सब हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ में आती है कि आदमी का अपना एक मिशन होना चाहिए और जीना मरना जो है इस्लाम के लिए होना चाहिए, नहीं कि अपने खाने पीने के लिए। तो
तो जो कुरान में है कि पुलिंदा सलाती वनुसकी व महयाज व माँ दिल्ला रबुलाल में, क्या मोहम्मद वसलम आप भी यही पढ़िए, यही कहिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब रबुलाल में, और आपके फॉलोअर भी यही पढ़े, यही इस पे जब सबूत पे फराम कर देंगे जिंदगी के एक्टिविटीज से, तो हमारे यहाँ से सब कुछ ले लेंगे जो डिमांड। तो सिर्फ कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जिंदगी के जरिए से सबूत देना पड़ता है, जैसा कि सहाबा के नाम सबूत दिए। तो इसमें कितने लोग जो गोल्डन पीरियड देखे नहीं देखे, लेकिन सब लोग कामयाब। लेकिन हम लोग जैसा आदमी जो वेटर बाज कर रहा है, वो अपने आप को नुकसान कर, नहीं कहता कि मैदान में आप निकल जाइए, लेकिन जिस दौर का जो तकादा है वो तकादे को तो पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपके हिसाब से मुसलमान कम से कम जो है बैड सिचुएशन में है या नहीं, इसमें तो कोई अब ये बैड से जो निकालने के लिए गुड तक लाने के लिए क्या किया जाए, आप जो कहते हो वही करके बताइए। मुसलमानों को इत्तेफाक होना चाहिए, आप ही खड़े होकर कहिए कि हमारे जो है किसी भी मुसलमान से रिलेशन गलत खराब नहीं, बोली बताइए। मुसलमान सुन्नत पर शादी नहीं करते, आप ही कम से कम कहिए कि मैं सुन्नत पर शादी करूँगा, मैं अपने फैमिली में कराऊंगा, मैं अपने खानदान में कराऊंगा। कुछ तो गलत है मुसलमानों के साथ, जो गलत है उसी को ठीक कर दीजिए। मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, आप अपने फैमिली के बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा दीजिए। कुछ तो उम्मत लेवल पर कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचें हम लोग, अगर अकेले नहीं हो सकता 10 आदमी मिलकर करें। तो इस लिहाज से जब जिम्मेदारी अदा करेंगे फिर इंशाल्लाह वही लहर नहार आ जाएंगे जो सहाबा के राम ने कहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों के अंदर भी सहाबा के राम के वाला जज्बा मिशन जो है हमारे दिलों में डालें, और उसके लिए जो है सिर और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को खुश करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करने की तौफीक अता फरमाएं। सुभान अल्लाह व हमदही, सुभान अल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका।